हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल क्वेरी सॉल्वर। आई एम योर एजुकेटर सुरेंद्र सिंह एंड टुडे आई विल टीच यू रूट वर्ड। एंड टुडे रूट वर्ड इज मैनिया, इट मींस मैडनेस, एक्सेसिव डिजायर अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के प्रति अतिरिक्त इच्छा यानी किसी चीज़ से लगाव या मोह या फिर हम कहें पागलपन। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट वर्ड है एग्रोमैनिया। एग्रो मीन्स होता है टू बी एलोन, यानी कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा मानव है जिसको अकेला रहना बहुत पसंद है, यानी उसे अकेले रहने में बड़ा अच्छा लगता है, वो उसके लिए पागलपन है, मतलब उसके लिए अच्छा लगता है। तो उसको लिए हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं आपका एग्रोमैनिया। नेक्स्ट वर्ड है आपका एंथोमैनिया यानी फ्लावर। एंथो वर्ड ये यूज़ किया जाता है स्टूडेंट, ये यूज़ किया जाता है आपका फॉर फ्लावर, यानी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको फ्लावर के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव है, उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, एक तरीके से वो पागलपन है उसके प्रति, उसे क्रेज़ है बहुत ज़्यादा उसे नए नए फ्लावर्स का, तो उसके लिए आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हो एंथोमैनिया। नेक्स्ट है आपका वाइब्लीमैनिया। वाइब्ली जो यूज़ किया था, ये वर्ड यूज़ किया था स्टूडेंट फॉर बुक। मैनिया मीन्स होता है पागलपन, यानी कोई बुक कलेक्शन, यानी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको बुक कलेक्शन या बुक रीडिंग करने में बहुत ज़्यादा उसे पसंद है एक तरीके से, और उसे उसे बहुत ज़्यादा लगाव है, तो उसके लिए आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हो आप वाइब्लीमैनिया। नेक्स्ट वर्ड है आपका साइनोमैनिया। साइनो वर्ड ये यूज़ किया था स्टूडेंट्स, ये यूज़ किया था फॉर डॉग। मैनिया मीन्स पागल, यानी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको कुत्तों से बहुत ज़्यादा लगाव है, तो उसके लिए आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट आपका डेमोमैनिया। डेमो मीन्स होता है क्राउड, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जिसे क्राउड से बहुत ज़्यादा लगाव होता है, उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं हम डेमोमैनिया। नेक्स्ट आपका डिप्सो। डिप्सो मीन्स ये यूज़ किया जाता है एल्कोहल, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जिसको दारू या शराब पीना या एल्कोहल चीज़ों का सेवन करना बहुत ज़्यादा पसंद है, डिप्सो यूज़ किया जाता है फॉर एल्कोहल के लिए, तो डिप्सो मैनिया। नेक्स्ट आपका ड्रामोमैनिया। ड्रामोमैनिया यानी ट्रैवलिंग, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको बहुत ज़्यादा पसंद है घूमना फिरना ट्रैवलिंग करना, तो उसके लिए आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हो आप ड्रामोमैनिया। नेक्स्ट आपका एंथियोमैनिया। एंथियो ये थियो वर्ड यूज़ किया जाता है स्टूडेंट, ये यूज़ किया जाता था फॉर रिलीजियस यानी फॉर गॉड के लिए, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जिसे भगवान के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव है, भगवान से बहुत ज़्यादा मोह माया है उसको पूजा पाठ में या भक्ति करने में, तो इसके लिए आप वर्ड यूज कर सकते हो आप एंथियोमैनिया। नेक्स्ट वर्ड है आपका एर्गो। एर्गोमैनिया, एर्गो वर्ड यूज़ किया था, ये यूज़ किया था फॉर वर्क, यानी कोई ऐसा व्यक्ति है हु हैज़ ए एक्सप्रेसिव डिजायर फॉर वर्क, उसे काम करने के प्रति बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब उसे काम बहुत ज़्यादा पसंद है, उसका चौबीस मिनट ये कहता है भाई मुझे तो काम करना है, काम काम काम, बस ऐसी ही उसके पागलपन उसे चाहते हैं उसके मन में, तो उसके लिए आप वर्ड यूज़ करते हो आप ये एर्गोमैनिया। नेक्स्ट आपका हेडोमैनिया। हेडो मीन्स होता है प्लेजर, यानी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको खुश में, यानी समबडी हैज़ ए क्रेज फॉर प्लेजर, यानी उसे खुश रहना बहुत ज़्यादा पसंद है, उसे मतलब यही अच्छा लगता है कि भाई मुझे बस खुश रहना है, मुझे और किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, तो उसके लिए आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हो आप हेडोमैनिया। नेक्स्ट है आपका हिप्पो। हिप्पो वर्ड यूज़ किया जाता है स्टूडेंट्स फॉर हॉर्स, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जिसको घोड़ों को पालना, राइडिंग, हॉर्स राइडिंग का बहुत ज़्यादा शौकीन होता है, उसके लिए आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हो आप हिप्पोमैनिया। नेक्स्ट वर्ड इज हाइपोमैनिया। हाइपो मीन्स लो इंटेंसिटी, यानी कि कोई ऐसे व्यक्ति है जिसको लो एंसिटी यानी चीज़ों की तीव्रता नीचे रखने, या हम ये कहें ऐसे टेम्परेचर के लिए आप ये यूज़ कर सकते हो हाइपोमैनिया। नेक्स्ट आपका क्लेप्टो। क्लेप्टो यूज़ किया था फॉर चोरी के लिए, यानी स्टोलिंग थिंग्स, समबडी हैज़ ए क्रेज फॉर टू स्टोलिंग थिंग्स, यानी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको चीज़ें चुराना बहुत ज़्यादा पसंद है, यानी आप चोर के लिए यूज़ कर सकते हो आप क्लेप्टो मैनिया, उसे पागलपन है भाई चोरी करना बहुत ज़्यादा उसको लगाव है। नेक्स्ट लोगो। लोगो मींस लोगो वर्ड यूज़ किया था स्टूडेंट, ये यूज़ किया था फॉर टॉकिंग, यानी समबडी हैज़ ए क्रेज फॉर टॉकिंग,
यानी कोई ऐसा व्यक्ति जिसको बात करना बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब टुक 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 करना, मतलब किसी दूसरी बात भी सुनना, बस अपनी बात जो मन में आ रहा है कहे जा रहा है कहे जा रहा है, तो उसके लिए आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हो आप, लोगो मैनिया। नेक्स्ट वर्ड है आपका मैंग्लो मैनिया। मैंग्लो मीन्स होता है कंट्रोलिंग अदर लाइफ, समबडी हैज़ कंट्रोल ऑन अदर लाइफ, कोई ऐसा व्यक्ति है जो दूसरे की लाइफ को कंट्रोल में रखता है अपने में, तो उसके लिए आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हो आप, मैंग्लो मैनिया। नेक्स्ट है मेलो मैनिया यानी म्यूजिक, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको संगीत सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है, समबडी हैज़ ए क्रेज फॉर टू लिसनिंग सॉन्ग एंड सिंगिंग, कोई ऐसा व्यक्ति जिसको गाना सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है, उसके लिए आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हो मेलो मैनिया, मेलो से बनाए म्यूजिक। नेक्स्ट है आपका मोनोमैनिया, वन पार्टिकुलर थिंग्स, समबडी हैज़ ए मेडनेस फॉर पार्टिकुलर थिंग्स, यानी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको किसी एक चीज़ में बहुत ज़्यादा लगाव है, जैसे आजकल के स्टूडेंट्स हैं उनको पबजी खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप ये यूज़ कर सकते हो मोनो मैनिया। मोनो वर्ड यूज़ किया जाता है फॉर खुद के लिए, मोनो मीन्स वन सेल्फ। नेक्स्ट वर्ड आपका माइथो मैनिया, माइथ ये से बोलते हैं ना मिथ, इसमें क्या कुछ मिथ है, कुछ मतलब कुछ सारांश कुछ छिपा हुआ है, यानी कोई ऐसा व्यक्ति है, समबडी हैज़ ए क्रेज फॉर टेलिंग लाई, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको झूठ बोलना बहुत ज़्यादा पसंद है, उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब ये मानो को इसके मुंह पे सच तो कभी आता ही नहीं, उसको झूठ बोलना दूसरों की बुराई करना ये उसको पसंद है, तो आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हो माइथो मैनिया। नेक्स्ट आपका नोस्टोमैनिया यानी होम, कोई ऐसा व्यक्ति जिसको होम मतलब समबड़ी हैज़ ए क्रेज टू स्टे होम, कोई ऐसे व्यक्ति जिसको घर का शौक है, मतलब घर पर ही रहना है भैया हमको, हम घर से कहीं बाहर नहीं जाना, हमें अपना घर अच्छा लगता है बस, उसके लिए आप ये वर्ड यूज कर सकते हो नोस्टो मैनिया। नेक्स्ट आपका नाइपोमो फोविया, सॉरी नाइम नाइम फो मैनिया, सेक्स इन वोमेन, यानी वन लेडी हैज इज ए स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर सेक्स, कोई ऐसी लेडीज है जिसको सेक्स करने की बहुत ज़्यादा इच्छा रहती है, उसके लिए आप ये वर्ड यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आपका फेज मैनिया यानी रिच ईटिंग, कोई कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको अच्छा खाना पसंद है, समबडी हैज ए मैडनेस टू ईटिंग गुड फूड, किसी व्यक्ति को अच्छा खाना पसंद है, उसके लिए आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट हो प्लेटो मैनिया, प्लेटो वर्ड यूज़ किया जाता है स्टूडेंट्स, ये यूज़ किया जाता है फॉर मनी या वेल्थ के लिए, यानी कोई ऐसा व्यक्ति, समबडी हैज ए एक्सक्लूसिव डिजायर फॉर मनी, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जिसको सिर्फ पैसे से लगा रहे, उसको पैसा कमाना बस कमाना और कमाना बस इतना जानता है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए आप यूज कर सकते हो आप प्लेटो मैनिया। नेक्स्ट है पॉरी मैनिया यानी ट्रैवलिंग, समबडी हैज ए क्रेज फॉर ट्रैवलिंग टू विजिट न्यू प्लेस लाइक ए ट्रैवलर, कोई ऐसा व्यक्ति जिसको घूमना पसंद है, जगह जगह देखना फॉर विजिटिंग एक तरीके से, तो आप उसके लिए वर्ड यूज़ कर सकते हो आप पॉरी मैनिया। नेक्स्ट है पायरो मैनिया, पायरो वर्ड यूज़ किया जाता है शून्य, ये यूज़ किया जाता है टू सेट ऑन फायर, ये आपका एक फ्रिजेस होता है यानी चीज़ों को आग लगाने का, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको मतलब चीज़ों को जलाना बहुत ज़्यादा पसंद है, कहीं भी चीज़ दिखाई दी उसने कहा जला दो, जैसे कागज़ जला देते ना छोटे छोटे बच्चे, इस तरीके से उसको एक शौक होता है, उसको पागलपन होता है, उसके लिए आप वर्ड यूज़ करते हो आप पायरो मैनिया। नेक्स्ट है साइडो मैनिया यानी ईटिंग, समबडी हैज ए क्रेज फॉर ईटिंग फूड, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको खाना खाने की बड़ी इच्छा होती है, मतलब कहीं भी पकवान बन गया पड़ोसी के यहाँ भी तो बता देता है सुन करके कि भाई फलाने के यहाँ पर आज इस ये मतलब कोई भी फेवरेट डिश बनी है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए आप यूज़ कर सकते हो साइटोमेनिया, जिसको खाने का बहुत ज़्यादा लगाव होता है। नेक्स्ट है वेर्बोमेनिया यानी टॉकटिव, बात करने का, समबडी हैज ए क्रेज फॉर टॉकिंग, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको बातें करना बहुत ज़्यादा पसंद है, यानी एक लोगो मैनिया भी बताया था मैंने आपको वर्ड, ये रहा आपका लोगो मैनिया, और आप कर सकते हो वर्ब, वर्ब इससे होता है और लोगो होता है लोकेटिव या टॉकेटिव, ये वर्ड यूज़ किए जाते हैं आपके। नेक्स्ट वर्ड है आपका जेनो मैनिया, जेनो मैनिया होता है फॉरिनर, फॉरिनर एंड फॉर्जन थिंग्स, यानी कोई ऐसा व्यक्ति है हु हैज ए बिग क्रेज फॉर फॉरिनर एंड फॉर्जन, यानी कोई ऐसे व्यक्ति है जिसको विदेशी चीज़ों से या विदेशी व्यक्तियों के या
उनसे बहुत ज़्यादा लगाव होता है, जैसे विदेशी लैंग्वेज सीखने में या कोई विदेशी कल्चर, इस तरीके से इसको लगाव होता है, उसके लिए आप वर्ड यूज़ कर सकते हो आप जेनोमेनिया। नेक्स्ट है एब्लोटोमेनिया, यानी वॉशिंग वन सेल्फ, यानी खुद को धोने का पागलपन, यानी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको हर 2 मिनट पीछे खुद को धोने की आदत होती है। भाई बहन हर चलो, जैसे इस टाइम जैसे आपका कोरोना की वजह से हैंड वॉश करते हैं ना, इसी टाइप से किसी व्यक्ति को बहुत ये एक तरीके से पागलपन होता है, और ये अधिकतर गर्मियों में हो जाता है लोगों के, बार बार नहा रहे हैं दिन में चार चार पाँच पाँच बार, तो ऐसे व्यक्ति के लिए आप बोल सकते हो आपसे एब्लोटोमेनिया। नेक्स्ट है आपका एंग्लोमेनिया। स्टूडेंट जो एंग्लो वर्ड यूज़ किया गया, ये यूज़ किया जाता है फॉर इंग्लिश, यानी कोई ऐसे व्यक्ति इंग्लिश एंड द इंग्लिश, यानी कोई अंग्रेजी, समबड़ी हैज़ ए क्रेज फॉर इंग्लिश एंड द इंग्लिश थिंग्स, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको अंग्रेजी भाषा सीखने में और अंग्रेजों के कल्चर में और उनके रहन में बहुत ज़्यादा शौकीन होता है, तो उसके लिए आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हो आप एग्लोमेनिया। नेक्स्ट वर्ड है आपका एप्रोडिसोमेनिया। एप्रोडिसोमेनिया ने एबनॉर्मल सेक्सुअल इंटरेस्ट, यानी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको सेक्सुअल जो डिजायर होती है उसको बहुत ज़्यादा शौक होता है, पागलपन होता है फॉर सेक्स। नेक्स्ट है आपका एर्थोमोमेनिया, क्रेज विद नंबर्स, कोई ऐसा व्यक्ति है जो नंबरों के साथ खेलने का बड़ा शौकीन होता है, मतलब किसी को भी कोई भी क्वेश्चन दो और पुट 2 मिनट के अंदर वो बहुत जल्दी चुटकियों में उसको सॉल्व कर देता है, यानी नंबरों के साथ खेलने का कोई शौकीन होता है, उसको पागलपन होता है नंबरों के साथ, तो ऐसे व्यक्ति के लिए आप बोल सकते हो एर्थोमोमेनिया। नेक्स्ट है ब्रोक्शोमेनिया, कंप्लीश फॉर ग्रेडिंग टीथ, यानी कोई ऐसा व्यक्ति है, या ये अधिकतर वैसे आप बोलो तो ये बच्चों में होता है, छोटों में, जब छोटे छोटे बच्चे ना दांतों को टिट टिट करने लग जाते हैं, तो उसके लिए आप ये ब्रोक्शोमेनिया वर्ड यूज़ कर सकते हो, कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनमें पागलपन होता है या उनको अच्छा लगता है, एक तरीके से कहें उनको मोह होता है, छोटे छोटे बच्चों को लगाव होता है कि दांतों को किटकिटाने लग जाते हैं, जैसे सर्दियों के मौसम में दांत किटकिटाते हैं, उसी टाइप से ये छोटे छोटे बच्चों में होता है ये पागलपन एक तरीके से। नेक्स्ट आपका कैक्टो मोनोमेनिया, यानी पैथोलॉजिकल बिलीव दैट इन वन इन इनहेबिटेड वाई एन इविल स्प्रिट, यानी कि ऐसी एक तरीके से पागलपन, या एक तरीके से हम कहें कोई दिमाग में ऐसा फ्यूल कि भाई किसी के शरीर में क्या हुआ, कोई बुरी आत्मा है, तो इस तरीके से पागलपन होता है, उसको बोलते हैं हम कैक्टो मोनोमैनिया। नेक्स्ट आपका कैटापेडा मैनिया, यानी ऑब्सेशन विथ जंपिंग फ्रॉम हाई प्लेसेस, यानी कि कोई व्यक्ति है जिसको ऊंची जगह से कूदने का बहुत ज़्यादा शौकीन होता है, मतलब जैसे हिल पे पहाड़ी पे चढ़ गए और कूद रहे हैं वहाँ से, या अपनी घर से कूदने का, जो ऊंची जगह से जो कूदने का जो शौकीन होता है, उसके लिए आप वर्ड यूज़ करते हैं कैटापेडा मैनिया, ऑब्सेशन विद द जंपिंग फ्रॉम हाई प्लेसेस, ऊंची जगहों से कूदने का पागलपन। नेक्स्ट है चाइना मैनिया, ऑब्सेशन विद कलेक्टिंग चैन, यानी कोई ऐसा व्यक्ति है हु हैज़ ए क्रेज़ फॉर चाइनीज़ थिंग्स एंड चाइनीज़ कल्चर, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको चाइना से जुड़ी हुई चीज़ें या उनके कल्चर को या उनकी भाषा को उसको ऑब्जर्वेशन करने का, उसे पागलपन एक तरीके से उनमें लगाव है या इंटरेस्ट है। नेक्स्ट आपका कैरियोमेनिया, वो आपको होता ना कैरियोग्राफर, उसे बनाइए कैरियोमेनिया, यानी डांसिंग मैनिया और फ्रीजिंग, यानी नाचने का पागलपन, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको तुरंत कहीं डीजे भी बजे और उसके पैर थिरकने लग जाते हैं, तो डांस वगैरह जो करते हैं उनके लिए यूज़ किया था आपकी डांसिंग मैनिया और, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जिसको नाचने का बहुत ज़्यादा शौक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका क्लेनोमेनिया, यानी एक्सक्लूसिव डिजायर टू स्टे इन बेड, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जिसको बस बेड में रहने की आदत है, भैया हमें तो अपने बेड में रहना है, घर वालों से बोलता है यही हमें खाना चाहिए, यही हमें पीना, और यही हमें तो सारे काम बेड में ही करना है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए आप यूज़ कर सकते हो क्लेनोमेनिया। नेक्स्ट आपका डेक्नोमेनिया, ऑब्सेशन विथ किलिंग, डेक्नो कोई ऐसा व्यक्ति है मतलब जिसको मार काट करने में बहुत ज़्यादा पसंद है, भाई जो सुसाइड किलर जो होते हैं उनके लिए आप ये यूज़ कर सकते हो डेक्नोमेनिया, यानी ऑब्सेशन विद किलिंग, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको मार काट में बहुत ज़्यादा शौक
शौकीन या पागलपन है उसको। नेक्स्ट आपका डिनोमेनिया, मेनिया फॉर डांसिंग, डांस से बना आपका डिनो। नेक्स्ट वर्ड स्टूडेंट डिस्कोमेनिया, ऑब्सेशन फॉर डिस्को म्यूजिक, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको डांस यानी डीजे का बहुत ज़्यादा शौकीन होता है, जिसको नाचने का और गाने सुनने का शौकीन होता है, उसको बोलते हैं डिस्को, ऑब्सेशन फॉर डिस्को म्यूजिक। नेक्स्ट आपका डोरोमेनिया, ऑब्सेशन विद गिविंग गिफ्ट, कोई ऐसे व्यक्ति जिसको गिफ्ट देने का बहुत ज़्यादा पागलपन है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए आप यूज कर सकते हो डोरोमेनिया। नेक्स्ट आपका ड्रापेटोमेनिया, ड्रापेटोमेनिया, इंटेंस डिजायर टू रन वे फ्रॉम होम, यानी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको अपने घर से भाग जाने की एक पागलपन होता है कि अब हमें अपने घर पर नहीं रहना भैया, हम तो अपने घर से चले, तो ऐसे के लिए आप यूज कर सकते हो ड्रापेटोमेनिया। नेक्स्ट बड़ा आपका एसिडोमोमेनिया, यानी ऑबनॉर्मल कंप्लीशन फॉर वंडरिंग, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आश्चर्य यानी वंडरिंग से बहुत ज़्यादा शौकीन होता है, पागलपन होता है, नई नई चीज़ें देखने का, चमत्कार देखने का शौकीन होता है। नेक्स्ट है एपोमेनिया, क्रेज फॉर राइटिंग एपिक, एपिक क्या होते हैं, ये आपकी कहानियाँ वगैरह होती हैं, तो वही ऐसा व्यक्ति जिसको क्रेज है एपिक्स लिखने का या पढ़ने का, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो आप एपोमेनिया। नेक्स्ट है आपका ग्राफोमेनिया, ग्राफोमेनिया इट मीन्स हो गया ऑब्सेशन विथ राइटिंग, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको लिखने का पागलपन बहुत ज़्यादा है कि भैया हमें तो लिखाई करनी है, तो जो राइटर वगैरह होते हैं उनमें ये आप पा सकते हो आप ग्राफोमेनिया। नेक्स्ट आपका गाइनकोमेनिया सेक्सुअल ऑब्सेशन विद, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसको लेडीज़ के प्रति यानी सेक्सुअल डिजायर होती है कि हमें मतलब उसको लेडीज़ के साथ सेक्स करने की डिजायर होती है, ऐसे व्यक्ति के लिए आप यूज़ कर सकते हो गायनोकोमेनिया। नेक्स्ट आपका आइडलोमेनिया यानी ऑब्सेशन और डिवोशन आइडल्स, यानी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको भगवान की पूजा में और जो मूर्तियाँ वगैरह होती हैं उनमें उसे बहुत ज़्यादा लगाव होता है या पागलपन होता है। तो स्टूडेंट आज की वीडियो थी यहीं तक। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।